बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के इस कोर्स के अंदर हम एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि हम जब एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो हम कोटलिन को यूज़ करेंगे। कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावा से मिलती जुलती है। हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि हमने कोटलिन को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम के अंदर और कोटलिन को हमने यूज़ कैसे करना है। तो कोटलिन को बेसिकली दो तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, हम किसी IDE के अंदर इसको यूज़ करें जिसे हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। और दूसरा तरीका यह है कि हम कोटलिन को ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर यूज़ करें या ऑनलाइन प्लेग्राउंड के अंदर रन करके देखें। IDE क्या होता है? IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम दूसरे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम अभी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं या कोटलिन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो हम कोटलिन का IDE यूज़ करेंगे। और कोटलिन को यूज़ करने के लिए दो IDEs हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास एक IDE आ रहा है जिसका नाम है इंटेलिजे आइडिया। इसके दो वर्जन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हमने अल्टीमेट एडिशन करना है तो ये 30 डेज़ का फ्री ट्रायल हमें देता है, उसके बाद ये हमसे चार्ज करेगा। ये फ्री नहीं है और इसके फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कम्युनिटी एडिशन है ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हम इसको लर्न करने के लिए फिलहाल कम्युनिटी एडिशन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर ही हम अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे। इसके अलावा जो हमें दूसरा IDE मिलता है कोटलिन को इंस्टॉल करने के लिए या यूज़ करने के लिए, वो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। हम अपनी एंड्रॉयड की एप्स इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे और इसी के अंदर हम अपने एंड्रॉयड की एप्स का कोड लिखेंगे। हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा हम कोटलिन को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कोटलिन प्लेग्राउंड। तो कोटलिन का जो प्लेग्राउंड है ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। हम अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहते अपने सिस्टम में कोई ऐसी एप्लीकेशन, हम इसको ऑनलाइन रन करके देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो कोटलिन का कोड हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे और इसको यहाँ से रन करेंगे। हम स्टार्टिंग के अंदर जो कोटलिन को सीखेंगे तो उसको हम इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर सीखेंगे, ठीक है। इसकी एक्जी फाइल आप देख रहे हैं कि 650 के करीब है, 650 MB के करीब है। और इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है। हम इसको डाउनलोड अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपको जावा डेवलपमेंट किट या JDK डाउनलोड करने के ऑप्शन देता है। JDK के अंदर जावा की जो लाइब्रेरीज हैं और जावा वर्चुअल मशीन और दूसरी लाइब्रेरीज ऐड कर दी गई हैं और एक ऐसे सॉफ्टवेयर का बंडल बना दिया गया है जिसके जरिए आप जावा और कोटलिन के प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो JDK डाउनलोड करने की ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगी। आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको इंटेलिजे ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और इंटेलिजे कम्युनिटी एडिशन को हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये इंटेलिजे का कम्युनिटी एडिशन आ चुका है और इसके अंदर उसने हमें पहला प्रोग्राम यहाँ पे बना के दे दिया है, हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे आपको टिप्स शेयर कर रहा है अपने इस प्रोग्राम के हवाले से। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह के ऊपर आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और इसको रन करते हैं, प्ले करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आपने आज की क्लास में कोटलिन के IDE को इंस्टॉल करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोटलिन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने कोटलिन के अंदर प्रोग्राम लिखना है। वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।